Good morning friends, how are you? Welcome to Query Lengua classes. Yesterday we learned about complex sentences. We learned how to form complex sentence, especially noun clause, if the two or more sentences are separate. So by combining two or more simple sentences into one complex sentence, we can make noun clause. Okay, through noun clause we can make complex sentence. Today in part 4 we shall learn about adjective clause. First of all, what is adjective clause? And we all know already know that an adjective is a word which defines a noun or pronoun, or which modifies a noun or a pronoun. Similarly, an adjective clause is a clause which defines a noun or pronoun in a complex sentence. Okay, I have already told you about clauses. What is clause? Clause actually a group of words which has its subjects and a predicate of its own, and it may be the, you know, part of a longer sentence. Okay, sometimes the clause may define itself or is complete in its meaning. It is called, you know, main clause or principal clause. Sometimes the clause is dependent for its meaning to another clause, is called subordinate clause. So here we are, you know, studying subordinate clauses. Okay, so in adjective clause we shall try to learn it through some examples. The examples are very simple. Okay, so that is why I have taken some, you know, simple examples to make you understand in a better way. So shall we head this? See, a teacher teaches me is the first sentence. He is my father's friend, second sentence. There are two sentences. A teacher teaches me, he is my father's friend. Okay, dono hi separate hai. To abhi hum kya pad rahe hain? Separate sentences ko combine karke ek complex sentence banana pad rahe hain. Theek hai, next videos jaise jaise bante jayenge usme hum padhenge ki interchanging inki kaise hoti hai. That is a different topic. Okay, so dekhiye, अब इसमें क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, कैसे बन गया? अ टीचर, ये जो टीचर है, ठीक है, ही इज माय फादर्स फ्रेंड. दूसरी जो दो सेंटेंस है वो एक्चुअल में इसी को डिफाइन कर रहा है, टीचर को. टीचर ही है जो उसके पिता का मित्र है. ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटेंस है ये डिफाइनिंग है, इसी को हम क्लॉज बनाएंगे. तो अ टीचर, जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो अ टीचर का द टीचर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? द टीचर. ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी नोन टू द टीचर ना. सो द टीचर हु टीचेस मी, द टीचर हु टीचेस मी, ये क्या है? यही एक्चुअली एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है, ये जो टीचर है नाउन है, इस टीचर को ये पूरी क्लॉज डिफाइन कर रही है. टीचर ही तो उसे पढ़ाता है. कौन सा टीचर? वो जो उसे पढ़ाता है, वो टीचर. तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है. ठीक है, ये इस नाउन को डिफाइन कर रही है, इसीलिए ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है. द टीचर हु टीचेस मी इज माय फादर्स फ्रेंड. ठीक है, समझ गए. दूसरा देखते हैं, हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. अ बॉय केम इन, हिज आवर मॉनिटर. अ बॉय केम इन, ही इज आवर मॉनिटर. केम इन, एक लड़का जो अंदर आया वह मेरा मॉनिटर है, हमारा मॉनिटर है. तो अब बॉय की जगह क्या हो जाएगा? वही द बॉय. द बॉय हु केम इन, ये पूरा सेंटेंस है, ये क्लॉज है पूरा. ठीक है, तो ये द बॉय को डिफाइन कर रहा है. लड़का जो अंदर आया, लड़का जो अंदर आया वो कौन है? हमारा मॉनिटर है. ठीक है, तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है, इसी को कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज. तो इसमें हु केम इन ये एडजेक्टिव क्लॉज है, इसमें हु टीचेस मी ये एडजेक्टिव क्लॉज है. ठीक है, तो चूंकि एडजेक्टिव क्लॉज किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है, तो ये यहां
टीचर को मॉडिफाई कर रही है, ही टीचेस मी, यहां द बॉय को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, हु केम इन। तीसरा देखते हैं, यू पुट इट समवेयर शो द प्लेस, दो सेंटेंसेस हैं, यू पुट इट समवेयर शो द प्लेस, तो इसका बनेगा शो मी, सॉरी शो मी कर लो, यहां पर मी और लगा लो, शो मी द प्लेस वेयर यू पुट इट, देखिए वेयर यू पुट इट, ये रही ये पूरी क्लॉज है, ये किसके लिए है, प्लेस के लिए, प्लेस को डिफाइन कर रही है, ठीक है, वेयर यू पुट इट, जहां तुमने इसको रखा है, तो ये नाउन एडजेक्टिव क्लॉज हो गई, ठीक है। दूसरा देखिए, ये प्लेस क्या है, नाउन है, तो नाउन को यू पुट इट, वेयर यू पुट इट, प्लेस वेयर, तो ये जो प्लेस है इसी को डिफाइन किया जा रहा है इस क्लॉज में, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। लास्ट देखते हैं हम, He failed in the exam. Do you know its reason? दो sentences हैं, तो इसका बनेगा Do you know its reason? Do you know its reason why? इस reason नहीं होगा यहाँ, the reason हो जाएगा इसका, ठीक है। ये mistake है, किताबों में भी कभी कभी mistake आती है। Do you know the reason why he failed in the exam? Why he failed in the exam? ये पूरा क्लोज हो गया, ये रीजन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, ये रीजन जो नाउन है इसका डिफाइन करने वाला रीजन क्या है, ये है, ठीक है, ये डिफाइन कर रहा है। Do you know the reason why he failed in the exam? तो ये पूरा क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। सिमिलरली हम बहुत सारे सेंटेंसेस को सेपरेटली लेकर इसी तरीके से कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, जिसमें हम एडजेक्टिव क्लॉज बना सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। तो आई थिंक यू पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, अगेन आस्क इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन। सो नाउ दिस टॉपिक आई थिंक इज कंप्लीट, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज, इन पार्ट 5 I shall teach you about adjective clause, adverb clause, what is adverb clause and how to form the compound complex sentence by, you know, adverb clause, ठीक है, फिर इसके interchange हम जानेंगे। So finally, I request you to subscribe my channel Koine Lengua and press the bell icon to get all the notifications. Thank you very much.